स्वराज एक्सप्रेस की खास चुनावी पेशकश मेरा देश मेरा वोट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। आज हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की नागरिकता पर छिड़ा विवाद, बाराबंकी में बीजेपी को कैसे लगा बड़ा झटका, और भी कई खबरें हैं इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, पीएम मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग। पीएम ने कहा था 40 टीएमसी विधायक मेरे संपर्क में है। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद पर प्रियंका का करारा वार, कहा मैंने जीवन में नहीं सुनी इससे बड़ी बकवास। बैकफुट पर आए राजनाथ, बोले सामान्य कार्रवाई के तहत भेजा नोटिस। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतरे एसपी उम्मीदवार तेज बहादुर को प्रचार से रोका गया, चुनावी अधिकारी ने नोटिस जारी कर पूछी सेना से निकाले जाने की वजह, जवाब न देने पर नामांकन हो सकता है खारिज। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता मामलों पर कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीजेपी को लगा करारा झटका, कई दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी पर लगाया दलितों के अपमान का आरोप। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री मोदी की, जो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के 40 विधायकों के संपर्क में होने के बयान पर टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। टीएमसी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए पीएम मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। टीएमसी ने शिकायत में लिखा कि मोदी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक बयानबाजी में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल के सिरमपुर में इस गिरावट की एक नई मिसाल तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने आम सभा के मंच से ममता बनर्जी को खुलेआम धमकी दी। मोदी ने कहा कि टीएमसी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं और 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही ममता बनर्जी की सरकार गिरा दी जाएगी। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पीएम मोदी के इस ऐलान को विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने इस मामले में नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग भी की है। 40 तृणमूल कांग्रेस एमएलए उनार साथे नाकि जोगाजोग करछे, बुझुन निर्लज्ज प्रधानमंत्री। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम ये समझ लें कि उनके साथ कोई नहीं जाएगा, एक पार्षद भी नहीं। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं या विधायकों की खरीद फरोख्त, आपकी एक्सपायरी डेट अब करीब है। पीएम मोदी के बयान का विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों में ममता बनर्जी के धुर विरोधी लेफ्ट के नेता भी शामिल हैं। This is what is called interference in the internal affairs of a political party and leading to horse trade. पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग के दौरान मोदी और ममता एक दूसरे पर लगातार तीखे हमले करते रहे हैं, लेकिन मोदी ने सीरमपुर में चुनावी सभा के मंच से जिस तरह खुलेआम धमकी दी है, वैसी पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने दी होगी। दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है अब, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ को भेदने के लिए मोदी शाह की जोड़ी इसीलिए भी बेकरार है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार एसपी बीएसपी का गठबंधन बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। बिहार में भी महागठबंधन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 2014 के मुकाबले नुकसान हो सकता है। इन तमाम राज्यों में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी की नज़र पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच भिड़ंत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है। सिलीगुड़ी के बीजेपी नेता उत्तम मंडल का आरोप है कि देर रात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और फायरिंग भी की। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है।
कल रात को हम दुकान बंद करने वाले थे, कुछ अब 20-50 लड़का आके मेरे दुकान में जाके तोड़ फोड़ किया पूरा। बाद हमको 4-5 आदमी पकड़ लिया, पकड़ के बोल गया तू बीजेपी करता है ना, तू बीजेपी करता है, तेरे को ठोक देगा इधर इधर में, मेरे को यहाँ पर लगा दिया। तो 2-3 तो फायर किया, मारा यहाँ पे मुझको। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता दिलीप गिरी से। दिलीप, बीजेपी टीएमसी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कल पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव थे और उस पर भी कई सारी खबरें सुबह से ही सामने आ रही थी हिंसा की। बाबुल सुप्रियो की खबर हमने देखी, अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और आज भी चुनाव खत्म होने के बाद भी अब हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है वहां पर। बिल्कुल सही, पहले चरण के दिन से, पहले चरण के मतदान हिस्सा से हिंसा बढ़ता था, लेकिन चौथे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जिससे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में खास करके और दक्षिण बंगाल, मतलब पहले दूसरे और तीसरे चरण में उत्तर बंगाल के लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, चौथे चरण में दक्षिण बंगाल में चुनाव ट्रांसफर, उसके बाद जिस तरह से हिंसा फैली है, खासकर ग्रामीण इलाकों में रुकने का नाम नहीं। लगातार तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, और जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता वे भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, और लगातार ग्रामीण इलाकों से ये वीरभूम से आसनपुर, सांसिया, बरहमपुर, सिल्लीगुड़ी, तमाम जो लोकसभा चुनाव जिन जिन सीटों पे हो गया है वहां से लगातार हिंसा की घटना खबरें आ रही हैं। शुक्रिया दिलीप जानकारी देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है। आपको बता दें कि 2014 में जो इन 8 सीटों पर चुनाव हुए थे, जब उसमें इसको टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और इन 8 में से 6 टीएमसी के खाते में गई थी। उसके बाद 4 फेज खत्म होने को हैं, इसके बाद भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों पर उनसे जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल को नोटिस जारी किया है। राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। आपको यह भी बता दें कि स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। कुछ दिन पहले ही अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन को वैध करार दिया था। राहुल की नागरिकता पर एक बार फिर उठे विवाद को प्रियंका गांधी ने बकवास बताया है। प्रचार के लिए अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी भारत में ही जन्मे हैं और हर कोई जानता है कि वो भारतीय हैं। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये? इसमें कोई विवाद है ही नहीं। राहुल गांधी जी भारत के नागरिक हैं, पहले भी ये बात उठाई जा चुकी, एक बार इसको 2-3 बरस पहले उठाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में ने इसको स्पष्ट कर दिया था, चुनाव आयोग इसको स्पष्ट कर चुका। अभी इनके नॉमिनेशन पेपर्स में किसी आज़ाद उम्मीदवार के माध्यम से बीजेपी ने यही सवाल उठवाया था, और स्क्रूटनी के दौरान उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसमें कोई आधार नहीं पाया गया था। तो गृह मंत्रालय को भी जिम्मेवारी से पेश आना चाहिए, उनको इस सनसनी फैलाने में शामिल नहीं होना चाहिए था, यह दुर्भाग्य की बात। यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है, उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत बड़ी कोई बड़ी घटना हो गई। वाराणसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने पर प्रियंका गांधी ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद वाराणसी से चुनाव लड़ती तो उत्तर प्रदेश की दूसरी सीटों पर चुनाव प्रचार बाधित हो सकता था, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। And the advice of my colleagues in Uttar Pradesh, and they firmly felt that I have a responsibility here of looking after 41 seats, and all of my candidates are still wanting me to go to their constituencies. I felt that they would be a little disappointed if I focused only on one place and I didn't. वाराणसी के चुनाव अधिकारी ने एसपी प्रत्याशी तेज बहादुर को नोटिस भेजा है। नोटिस में उसे सेना से निकाले जाने की वजह पूछी गई है। आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस में तेज बहादुर को निर्देश दिए गए कि वो बीएसएफ से एक अनापत्ति पत्र
प्रमाण पत्र लेकर आए जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें नौकरी से किस वजह से बर्खास्त किया गया। इसके लिए बुधवार दोपहर 11 बजे तक का समय दिया गया है। इतना ही नहीं, आज दोपहर 3 बजे तक ये कहते हुए तेज बहादुर यादव को प्रचार करने से रोक दिया गया कि पहले ये प्रमाण लाए कि आपको किस आरोप में बर्खास्त किया गया था। अगर तेज बहादुर इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को समय रहते जमा नहीं करते हैं तो उनका नामांकन खारिज हो सकता है। नामांकन किया था, जब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं हमें बताया? कल हमने नामांकन किया, तब इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं हमें बताया? वैल्यू नहीं है उस टाइम जांच करके ही तो हमको यस दिया जाता है, जो रिसीव हमें दिया गया है। जितने भी हैं जिनकी कमियां थी वो आज पूरी की जा रही है, तो हमारे में कोई कमी थी ही नहीं, हमें क्या पता। कितने बजे? 3 बजे नोटिस दिया गया है। और ये बनारस है, आप बताइए बनारस से दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता है? और 11 बजे पहले जवाब देना दिल्ली से। कोशिश हमारी जारी है, हमारे वकील दिल्ली में भी हैं, चंडीगढ़ सब जगह हमारे वकील लगे हुए, हमारी पूरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अतुल चंद्रा का, हमारे साथ जुड़े हुए। अतुल जी, सुना आपने तेज बहादुर को, और साफ साफ उन्होंने कहा कि एफिडेविट सबमिट किए गए थे, सस्पेंशन के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए थे, उसके बावजूद उनके साथ क्यों ऐसा हुआ? कल नामांकन के समय क्यों नहीं चुनाव आयोग ने इस तरह की चीजें जो भी बाधित कर रही है उसका जिक्र किया? क्या ये कोई साजिश या चुनाव में आने वाले समय में कोई दिक्कत ला सकती है तेज बहादुर के लिए? तो आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव को नोटिस भेजा गया है और कल नामांकन था और आज उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका गया। 3 बजे तक कल उनसे जवाब मांगा गया है कि 11 बजे तक उनको जवाब देना है। क्या वजह थी सेना से बर्खास्तगी की, इसका कारण पूछा गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि वाराणसी से कल ही समाजवादी पार्टी ने मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदला। तेज बहादुर यादव बीएसएफ के कांस्टेबल थे, उन्होंने खराब खाने की गुणवत्ता का वीडियो जारी किया जिसके बाद तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया था। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को वाराणसी से उम्मीदवार घोषित किया था। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद उदित राज ने जयपुर में बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, जो ये नरेंद्र मोदी जी ये भाषण देते हैं, अब तो कम दे रहे हैं, वरना डॉक्टर अम्बेडकर इनके जुबान पे हुआ करते थे, बाबा साहब, यहाँ तक कि भीम ऐप इन्होंने चालू कर दिया दलितों को मूर्ख बनाने के लिए। बीजेपी आरएसएस से खतरनाक दलितों के लिए, मैं तो कम से कम दलितों का अध्ययन किया हूँ, कोई हो ही नहीं सकता। एक भी वोट देना देश के खिलाफ है और आने वाली पीढ़ी के खिलाफ। बीजेपी को दलित चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बीजेपी सांसद चुनाव प्रचार के दौरान बुरे फंसे। धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, न्याय, रोजगार लाए, न्याय, मिटा दे नफरत, न्याय, ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। चूंकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दल व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है, आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़,
आजाद आवाज। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा वोट। कांग्रेस नेता और भोपाल से पार्टी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल में बीजेपी पर करारा वार किया। भोपाल में विकास न होने के लिए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। हमको ध्यान देने की जरूरत है, भाजपा को इससे मतलब नहीं है। भाजपा को केवल धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर बहकाकर वैमनस्यता फैलाकर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी उसमें सहमति नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हर धर्म को सम्मान के साथ हम आगे लाना चाहते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में ऐसा हिंदू चाहिए जिस पर मुसलमान भरोसा करें, और ऐसा मुसलमान चाहिए जिस पर हिंदू भरोसा करें। यही देश की ताकत है। मध्य प्रदेश में भोपाल सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के पक्ष में महामंडलेश्वर स्वामी वैरागनंद आ गए हैं। दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वामी हवन करेंगे। हवन में लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्वामी वैरागनंद ने दिग्विजय सिंह की जीत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीते तो वे समाधि ले लेंगे। नहीं, मुझे संशय नहीं, तभी तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है इसीलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है इसलिए मैं जिंदा समाधि की बात कर रहा हूँ। भारत का सन्यासी बिल्कुल घर घर वोट मांगेंगे। भारत के वो सन्यासी जो लाल कपड़ाओं पे प्रसन्न चिन्ह लगाते हैं लोग, के लाल कपड़ा पहनने वाले कांग्रेस के साथ नहीं है। कम से कम 20,000 साधु घर घर जाकर के वोट मांगेंगे ऐसे राजा के लिए जो सचमुच ही जगत गुरु शंकराचार्य का यानी भारतवर्ष के सन्यासियों का सम्मान करते हैं। फरीदाबाद में बीजेपी सांसद और उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि सांसद महोदय जब एक इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। ये तस्वीर है फरीदाबाद के रोहता पट्टी इलाके की। गली में जमा पानी सांसद महोदय के विकास कार्य के दावे की पोल खोल रहा है। पिछले 5 सालों से इलाके की सुध न लेने वाले सांसद जब चुनावी मौसम में इस इलाके से गुजरे तो लोगों ने उनके काफिले को ही रोक लिया। जनता की नाराजगी देख सांसद महोदय ने फोन कर अधिकारियों को आदेश दिया। इनकी इतनी गंदा पानी खड़ा हुआ है रोहता पट्टी में। सबसे पहले इसे बड़ा साल नहीं, इसे दो एक दिन में काम शुरू करवाया। अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद कृष्णपाल गुर्जर अपनी अगली मंजिल की ओर निकल गए। वहां जब सांसद महोदय से विरोध कर रहे लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इलाके की जनता को ही विपक्षी दलों का बता दिया। ऐसे जेजेपी के लोग जो कहीं गिनती में नहीं है, वो कहीं मुकाबले में नहीं है, उनकी जमानत जब होने वाली है वो अपनी ख्याल बिठा रहे हैं। वहीं जेजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सौरोती का कहना है कि रोहता पट्टी में पिछले 2 सालों से पानी भरा है, जिसकी वजह से लोगों ने सांसद का विरोध किया। जहाँ रोहता पट्टी में आज का हादसा हुआ है वहाँ 2-2 साल से पानी भरा हुआ है, 2-2, 3-3 फुट। लोग इतने परेशान हैं, उन्होंने अपनी परेशानी इनके सक्षम बयान की है, और जे नायक जनता पार्टी का इस काम से कोई लेना देना नहीं है। भले ही सांसद महोदय ने विरोध कर रही जनता को विपक्षी दलों का कहकर अपना दामन बचा लिया हो, लेकिन 12 मई को यही जनता मतदान के जरिए बीजेपी सांसद को एक बड़ा जवाब दे सकती है। पलवल से रोशन लाल शर्मा की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीजेपी नेता मनोज तिवारी की एक नई मुसीबत। यह अन्याय करने वालों याद रहे, मैं नौजवान हूं, उजले भविष्य का अरमान हूं, मैं हिंदुस्तान हूं। युवाओं को काम, अब होगा न्याय। कांग्रेस को वोट दें। मैं पब्लिक हूं,
रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है। रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे। मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज, मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा वोट। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को इस बार अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र से इस बार उनका मुकाबला दो बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित से है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिलीप पांडे मैदान में है। मनोज तिवारी जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आपके क्षेत्र के प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2014 में जीतकर मशहूर कलाकार मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे पार्टी में उनका कद बड़ा होता गया, वे अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए अनजान बनते गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने आए थे, उसके बाद अब फिर वोट मांगने ही आए हैं। इस बीच के 5 वर्षों में उन्होंने इलाके का कभी दौरा नहीं किया। मनोज तिवारी रैली कर रहे हैं अभी यहाँ पे, आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? मेरे सब समस्या है, कुछ नहीं यहाँ हुआ है, ना रोड सही भाई, ना नालियाँ भाई। 5 सालों में उन्होंने क्या काम करवाया? कुछ नहीं कराया है, कुछ भी नहीं हुआ, एक कंकड़ी नहीं पड़ी है गलियन में। और बताओ, 5 साल में एक ही बार आए बस हाथ जोड़ने? हाँ, 5 साल हम हाथ जोड़ेंगे। 5 साल में मतलब 5 साल में जब पहले चुनाव हुए थे तब आए थे वोट मांगने और अभी फिर आ जा रहे, फिर बीच में कभी नहीं आए? नहीं आए अभी तक। तो हमारे देख लो आप, डी ब्लॉक में जाके देखिए, हर घर में कूलर की मोटर लगी है और पाइप यहाँ से लेके 5 घर के आगे तक खेतों में तक खाली प्लॉट में पाइप लगा रखे हैं, बटन चलाते हैं। पानी तो मतलब पानी वैसी सप्लाई नहीं है? नहीं मतलब ये नाली का पानी निकाल रखा है, इतनी गंदगी है। मनोज तिवारी सांसद हैं और उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने बहुत विकास किया है और उसी के बल पर जनता उन्हें फिर से जिताएगी। क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी की जीत कितनी? पूर्ण बहुमत से आएंगे और पिछली बार वोट जीते थे तो ज्यादा वोट जीतेंगे और हमारे केंद्र में सरकार बनने जा रही है और फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मनोज तिवारी किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं? विकास के मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। अब चुनाव सिर पर है तो मनोज तिवारी भी रोज रैली और रोड शो कर जनता को लुभाने में जुटे हैं और इलाके इलाके घूमकर जनता से वोट मांग रहे हैं। नमस्ते भैया, प्रणाम, आपका आशीर्वाद रहे, आप सबको प्रणाम, नरेंद्र मोदी बने देश का प्रधान। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 12 मई को मतदान होना है। मनोज तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और आज उन्होंने बुराड़ी में अपनी चुनावी रैली भी की। रैली हुई लेकिन लोगों की अपनी समस्याएं हैं, जैसे सड़क, सफाई और पानी जैसी समस्याएं जो बीते 5 सालों में उन्हें अभी तक नहीं मिली हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। आतिशी ने गौतम गंभीर पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आतिशी का कहना है कि गंभीर ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिन पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम जैसी जानकारियां नहीं है। आतिशी ने बिना परमिशन रोड शो निकालने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गौतम गंभीर पर 72 घंटे तक प्रचार करने की रोक लगाने की मांग की थी। बाराबंकी से बीजेपी को झटका लगा है। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहां कई दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये वे दलित नेता और कार्यकर्ता हैं जो पिछले 15 साल से बीजेपी में और संगठन की जिला इकाई में अहम पदों पर थे।
पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के मुख्य रूप से जिला मंत्री अनिल रावत और जिला मंत्री पद पर आसीन निर्मला रावत हैं। नेताओं ने पार्टी छोड़ने की वजह अपमान बताया है। नेताओं का आरोप है कि वे पिछले 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। हमेशा से उनका दलित होने के नाते अपमान होता रहा। इन नेताओं का कहना है कि वे अकेले पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि बड़ी तादाद में दलित कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं। बीजेपी में मैं जिला मंत्री रहा और इसी में मैं काम बहुत तेज तराव से किया, खूब कस के मेहनत किया। मेरे जो बीजेपी मैंने छोड़ा तो मेरा दुख आ गया। इतने दुखी हम हो गए कि जिसका इतना हम दुख हुआ, मगर बीजेपी में मेरा मान सम्मान नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ बीजेपी। और किस लिए छोड़ रहा, मैं दलित की बेटी हूँ, इसीलिए तो मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।